नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आपको नारनौल की एक और ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर लेकर आ गया हूं। और इस धरोहर का सीधा संबंध 400 वर्ष पुराना है, क्योंकि ये स्थान शेरशाह सूरी के दादा के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जिसे आज के समय में हम शाह इब्राहिम सूरी के मकबरे के नाम से बोलते हैं। और दोस्तों, सबसे जो मेन बात है वो ये है कि 400 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वाली जो पूरी की पूरी इमारत है, ये जो पूरे का पूरा मकबरा है, जो का तो अपने स्थान पर अपनी मजबूती और सुंदरता के अलंकरण को आज भी हमारे सामने पेश कर रहा है। लेकिन सबसे मेन बात, यदि अभी तक आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक लोग मेरी आईडी है, वहां जुड़ जाइए। और दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो आगे। यदि हम इसके पहले बाहरी हिस्से को देखते हैं तो हमारा मन करेगा कि हर एक हिस्से को पहले टकटकी लगाकर देखते रहें, क्योंकि इसके एंट्रेंस गेट पर जो बारीक काम किया गया है नक्काशी का, पत्थर को तराशने का, तो वो उस समय के कारीगरों की जो दृढ़ निश्चयता और उस समय की एकाग्रता, उनकी बारीकियां हुआ करती थी, उसको आज पेश कर रहा है। काले और लाल बलुआ पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को काफ़ी बारीकी के साथ में देखने की कोशिश करेंगे। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, ताकि मैं इनको नज़दीक से आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ। यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए हैं, इनको बिल्कुल स्मूथ किया गया है और इसमें किसी प्रकार का मशीन का प्रयोग नहीं है, सारे का सारा हाथों से काम किया गया है। यदि मैं इस कॉर्नर वाले पिलर को देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारे धार्मिक चीज़ों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि नीचे वाले हिस्से में ये लोटा बना हुआ है, ऊपर की तरफ ये जो उसके रखते हैं, जैसे नारियल रखते हैं, वैसी शेप यहाँ पे तराशी गई है, फूल पत्ती यहाँ पे बनाई गई हैं। इसको देखिए कितना अच्छा ज़िगज़ैग एक डिज़ाइन दिया गया है और इसी प्रकार का काम आपको इसके इस गेट पे भी देखने को मिलेगा। हाथी की सूंड जैसा डिज़ाइन इसको मजबूती देने का एक निशान बनाया गया है। लोटस फ्लावर यहाँ पे बनाए गए हैं और ऊपरी हिस्से में जहाँ पर भी आप देखेंगे तो कारीगरी की जो बारीकियाँ हैं वो आज आप देख सकते हैं। 1518 के समय में शाह इब्राहिम सूरी, जिनका शासन हिसार से लेकर नारनौल तक हो चुका था, और ये बात उस वक्त की है जिस समय हमारे भारत के ऊपर इब्राहिम लोदी सत्ता में थे। लेकिन 1518 से पहले का जो भी शासनकाल था, उस समय यहाँ पर शाह इब्राहिम सूरी अपना शासन चला रहे थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पोते यानी कि शेरशाह सूरी ने एक छोटी सी कब्र, एक मज़ार ही थी, उसको बनवाया, जो कि अंदर की तरफ है। उन सभी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको साथ वाले हिस्से में ले चलता हूँ और वहाँ जाने वाले इसके इतिहास से और रूबरू कराता हूँ। आइए आगे की तरफ आप। तो 1526 के समय में जब इब्राहिम लोधी सत्ता से हट गए और बाबर की हुकूमत हो गई, तो बाबर का बेटा हुमायूं के शासनकाल में मुगल सल्तनत थोड़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, और 1538 के वक्त में यानी कि 1538 के समय में पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर शेरशाह सूरी ने अपना शासन कर लिया था। और ये वही वक्त था जिस समय शेरशाह सूरी ने हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी इमारतें बनवाई और उसे एक बार मौका मिला कि अपने दादा की उस छोटी सी कब्र को एक बड़े मकबरे में तब्दील किया जाए, जिसका एक बहुत सुंदर जो नमूना है यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जिस भी तरफ देखेंगे वहीं पर आपको काफ़ी बारीक चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा मैं आपको इसके पिछले हिस्से में ले जाता हूँ, क्योंकि चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है, स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। चारों कॉर्नर पर यहाँ पर गुम्बद बनाई गई हैं, कॉर्नर में छोटे छोटे पिलर बनाए गए हैं और बीच में एक बहुत बड़ा डोम है जिससे इसको सुसज्जित किया गया है। ये वाला जो हिस्सा है जालीदार, बिल्कुल पिछले हिस्से जैसा है, बस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रास्ता बंद किया गया है। और यदि हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें इसका और भी बाकी हिस्सा देखने को मिलेगा। आइए पीछे वाले हिस्से में, इस मकबरे का जो सबसे पिछला हिस्सा है उसके अंदर भी कारीगरी का एक बहुत सुंदर और मुंह से बोलने वाला जो काम है वो किया गया है। ये बाहर की तरफ छज्जा निकाला गया है, नीचे मजबूती देने के लिए टोडे लगाए गए हैं, और ये सारे के सारे जो टोडे हैं वो पत्थर के इस्तेमाल किए गए हैं। इनके बीच में लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे जो मेन बात है, 1545 के समय तक शेरशाह सूरी का शासन रहा, उस समय उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई, बावड़ियाँ बनवाई, बड़े बड़े रोड बनवाए,
और उसी समय में इस इमारत को भी बनवाया था। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा इसके अंदर वाले हिस्से में, जहां पर आप इनकी कब्रों के साइज को देखकर काफी हैरान हो जाएंगे। आइए, अंदर जाने से पहले मैं कुछ बारीकियों पे आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ये होल दिखाई दे रहे हैं, इस पत्थर के आर पार किए गए हैं ये। अंदर जो पानी इकट्ठा होता था उसको बाहर की तरफ आउट करने के लिए इस्तेमाल में ये आते थे। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पत्थर पर जो ये डिज़ाइन बनाए गए हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर हैं और ये कितने ज़्यादा अद्भुत हैं। कुछ होल हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं इसके दोनों हिस्से में, आप इनको भी देख सकते हैं यहाँ पे पास में आकर। शायद ऐसा होगा कि एक वक्त पहले यहाँ पे गेट लगा रहता होगा, उसके जो कुछ निशान है वो हम अंदर की तरफ से उन होल से देख सकते हैं। यहाँ पर जो निशान आपको देखने को मिल रहे हैं इससे मालूम पड़ता है कि शायद वो गेट ऐसे लगता होगा और खुलता होगा। वो पत्थर का भी हो सकता है, वो लकड़ी का भी हो सकता है। अंदर का जो पूरा हिस्सा है, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कुल मिलाकर एक सबसे जो बड़ी कब्र दिखाई देगी यही है शाह इब्राहिम सूरी की कब्र, और उन्हीं के परिवार के जो अन्य सदस्य थे जो उनके बहुत क्लोज थे उनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर कुछ मेल और फीमेल का मैं आपको थोड़ा सा जिक्र दिखा देता हूँ। अक्सर ऐसा बताते हैं जो छोटे बच्चों की कब्र है ये वाला जो हिस्सा है ये मेल की कब्र को दिखाता है और ये वाला फीमेल की कब्र का इंडिकेशन देता है। यहाँ पर भी और कब्रें बनाई गई हैं और इसी प्रकार से अब हम इसकी थोड़ी छत वाले हिस्से की कलाकृति को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कि कितना सुंदर काम यहाँ पर किया गया है। और सबसे पहले तो ना मैं ये खुद कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जितने भी यहाँ पर कारीगर काम किया करते होंगे उनके पास में हाथों की जो कला है, पत्थर को तराशने की जो कला है, वो बेहद ही ज़्यादा अद्भुत और अचंभित कर देने वाली होती होगी। तो उन कारीगरों को तो हमें दिल से नमन करने का मन करता है। बेशक से हमारे इस हिंदुस्तान की सरजमी पे कितने भी शासकों ने काम किया हो, लेकिन अक्सर हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि ये मकबरा किस शासक का है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि बनाने वाले जो कारीगर थे उनका सबसे बड़ा यहाँ पर संयोग रहा था। यहाँ पर देखो रोशनी के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। यदि हम इस जाली को देखते हैं तो जाली का जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही अच्छा दिखाई देता है। फ्लावर्स को बनाया गया है, ज्योमेट्रिकल जालियाँ दी गई हैं, इसी प्रकार से और जालियाँ यहाँ पर भी दी गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है देखिए कितना सुंदर तराशा गया है, पत्थर के अंदर ये ब्लॉक्स काटे गए हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, और यहाँ देखिए ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पत्थर पे उकेरी गई हैं, ये शायद मेरे ख्याल से फारसी भाषा होगी, ये उसके अंदर कुछ कलमे लिखे होंगे या हो सकता कुछ बातों को बताने की कोशिश की गई होगी। और ये इस पूरे मकबरे का बिल्कुल मध्यस्थ भाग है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसमें देखिए बीच वाले हिस्से में एक डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पे लाल पत्थर थोड़े बहुत घिस भी गए हैं समय के बीतने के साथ साथ में, लेकिन फिर भी जो इनकी सुंदरता है ना वो अच्छी है। यहाँ पर भी देखो कुछ काम ये लिखा हुआ है, इसको भी आप एक बार थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो शासक थे वो इतने वर्षों के बाद भी अपनी जो पहचान है वो यहाँ से छोड़कर चले गए। दोस्तों इस स्थान पर हम आए हैं यहाँ के एक स्थानीय निवासी के माध्यम से, और जो भाई हैं अपने साथ में इनका नाम है मोहन, और ये हमें नारनौल की पूरी सैर करा रहे हैं। नारनौल के जितने भी छोटे बड़े पॉइंट है वो ये हमें दिखा रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जब आप छोटे थे आपका बचपन यहाँ पे कैसे बीता है? सर हम यहाँ बैठ गेंद खेलते बचपन से ही, बालक टाइम ही छोटे जब से, अभी भी बैठ गेंद खेलते हैं यहाँ पे बहुत बच्चे। और ये पहले बंद रहता था तो फिर भी गवर्नमेंट का थोड़ा वो ताला लगा दिया है, खोल देते हैं ऊपर के गेट बंद कर रखे हैं फिलहाल यहाँ पे। पर ये अपने समय में बहुत खूबसूरत चीज़ बनी थी और आज भी बहुत खूबसूरत है और ये आगे तक भी खूबसूरत रहेगी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। इसकी केयर की जाए, ये इतनी बड़ी इमारत मेरे ख्याल नानों की शान है फिलहाल, ये जो जिन्होंने भी कोई भी अपने शासन में बनाया है, बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाया है। अभी मैं आपको वो वाला स्थान दिखाने वाला हूँ जहाँ पे सबसे पहले 1518 के समय में शेरशाह सूरी के दादा को दफन किया गया था, यानी कि शाह इब्राहिम सूरी को। उनका जो पुराना मकबरा है जिसे आज के समय में हम पुराने मकबरे के नाम से भी जानते हैं, जो
आज हमें ऐसा दिखाई देता है। बाहर की तरफ ये जो पहाड़ी पत्थर है, देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर इसके बहुत बड़ा एक गुंबद भी बनाया गया है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस गुंबद को भी भव्य बनाने के लिए काम शुरू किया गया होगा। लेकिन जब सत्ता के अंदर शेरशाह सूर्य, तो उन्होंने सोचा कि अपने दादा के मकबरे को इतना छोटा ना बनाकर बड़ा बनाया जाए, इसीलिए पास में जो उनका मकबरा है काफी बड़ा और भव्य बनवाया गया था। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो बनाकर हमें फिर से बहुत अच्छा लगा, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।